नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फर्स्ट लेवल इंटर एग्जाम के वैसे पदों की जो 22 तरह के पद कोड हैं, पद कोड नंबर 10, 11, 14, 16 to 28, 30 to 32, 34, 37, 38, कुल 22 ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें जीएडी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कलेक्टर संवर्ग के लिपिक का है। ये सभी पद ज़्यादातर कनीय लेखा लिपिक के हैं और बेंच क्लर्क के हैं, और इसमें कलेक्टर संवर्ग का सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1751 है। और टोटल ये 22 तरह के जो पद कोड हैं जो 2020 में मेंस परीक्षा के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं उसमें जो पद कोड दिए गए हैं उसमें ये इस 22 तरह के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं 3181 रिक्तियों की चर्चा है। और ये जो पद हैं इसके लिए मैंने स्पेशली, चूँकि और तो मुझे नहीं अवेलेबल कराया जा सका, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पद है 1751 जीएडी के नोटिफिकेशन नंबर 821 दिनांक 23 मार्च 2011 के द्वारा समाहरणालय संवर्ग के लिपिक की नियमावली प्रकाशित हुई, और जिसका नियम 6 के अनुसार इस पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन के साथ मैट्रिक है। इसे बाद में पत्रांक 14227 दिनांक 2 सितंबर 2013 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित किया और मैट्रिक को इंटर किया गया, और अन्य जो है वो कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन ये ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। अब मैं देखना चाह रहा था कि कंप्यूटर संचालन और टंकन की कहीं पर प्रक्रिया है या नहीं। मैंने 2014 में जो प्राथमिक जो विज्ञापन निकला था बीएसएससी का, उस विज्ञापन को मैंने देखा। 2020 में जो मेंस के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए उस विज्ञापन को भी मैंने देखा। मुझे लगा कि कहीं भी किसी कंडिका में स्पष्ट प्रक्रिया कंप्यूटर संचालन और टंकन की नहीं है। 27 जनवरी 2021 को बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें दिया गया है कि आंसू लिपि और टंकन से संबंधित जांच जो होगी वो मंगल फॉन्ट पर होगी। और इस संबंध में मैंने बहुत तहकीकात करने का प्रयास किया। एक कैंडिडेट ने, चूंकि बहुत मैंने बड़ी संख्या में कैंडिडेट ने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट दिया है, मुझसे मोबाइल पर भी बातें की है, दो तरह के कन्फ्यूजन की कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं टाइपिंग के लिए उस अभी तक लिस्ट नहीं निकलने से उनमें कन्फ्यूजन है। दूसरा कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन की प्रक्रिया क्या है, इस संबंध में स्पष्ट जो नहीं है कहीं, उसके कारण भी उनमें कन्फ्यूजन है। तो एक कैंडिडेट ने मुझे, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बार जो विज्ञापन संख्या 4 निकाला है वहाँ के 24 रिक्त पद जो हैं एलडीसी के बीपीएससी ऑफिस में, उसके लिए उस विज्ञापन को देखने से ये मैंने देखा कि पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी और पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि तकनीकी योग्यता कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन होगी, जो यही है जो 22 तरह का जो पद कोड मैंने देखा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, और जीएडी की जो मैंने नियमावली की चर्चा की तो यही क्राइटेरिया है इंटरमीडिएट और कंप्यूटर संचालन तथा टंकन। तो मुझे लगता है कि यही प्रक्रिया, चूंकि जीएडी की नियमावली देखने से लगता है कि सभी डिपार्टमेंट ने उसी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया हो, फिर भी बीएसएससी अपना देख ले क्यों देखेंगे ही कि उसकी प्रक्रिया क्या है। लेकिन मैं बीपीएससी के इस नोटिफिकेशन की मैं एडवर्टीजमेंट की मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसके पॉइंट 7 में अंकित है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन जांच परीक्षा मात्र कंप्यूटर यंत्र पर मंगल फॉन्ट में ली जाएगी। उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 13% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा। तो इन तथ्यों के आधार पर एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं
बिहार लोक कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे फिजिकल के लिए 4,900 कैंडिडेट का एलिजिबल कैंडिडेट का जिसमें कि रैंक जाहिर नहीं हो रहा है, एलिजिबल जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट निकाला गया है, ऐसी प्रक्रिया इसके लिए भी निकलनी चाहिए। मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं हो लोगों को, रोल नंबर के क्रम में ही चले, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो टाइपिंग के लिए हों, लोअर डिवीजन क्लर्क और बेंच क्लर्क के लिए, वो जल्द से जल्द प्रकाशित होने से